सुप्रभात बहनों, कक्षा नवम। मेरे बचपन के दिन आगे देखते हैं। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई, तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन निशा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिलीजुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जेबुन जब मराठी सीखने लगी थी जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना नहरा जाता था। वाह, देसी कौवा मराठी बोली, जेबुन कहती थी। नहीं उस्तादिन जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियाँ थीं वे आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी, राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएँ तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी, भाई भूखा बैठा है, राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे लिए भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब मैं से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वे अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वह प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। कहने का आशय यह है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो है इसी प्रकार प्रेम पूर्वक रहते तो भारत की जो है अभी स्थिति ऐसी नहीं होती जैसी अभी चल रही है। इससे कहीं और अच्छी जो है रहती।